हेलो फ्रेंड, ये है कैसे हो एडिफाइस की जेंट्स वॉच लेदर स्ट्रैप के साथ। डुअल टाइम वॉच है, यानी इसमें एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही टाइम कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने को मिल जाती है। लेदर की क्वालिटी अगर देखें तो क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है और जेन्युइन लेदर में ये लेदर डिज़ाइन किया गया है। इस वॉच की जो कॉन्फ़िगरेशंस है, ब्लूटूथ लिंक के साथ भी है। एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसका टाइम कनेक्टेड कर सकते हैं और फीचर्स को वर्कआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही प्रोसेस बताऊंगा, अभी मैनुअली करेंगे। बात करते हैं इसके टाइम कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स के बारे में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कई फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं पहले बता दूं कि एक तो ये वॉच हैंडोमीटर वाटर असिस्टेंट है, स्टेनलेस स्टील है और सोलर के साथ ये चार्ज अप होती है। वॉच ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। इसमें आपको सुपर इल्यूमिनेटर फीचर देखने को मिलता है और लाइट फीचर है। इसमें स्टॉप वॉच है और इसके अलावा आप काउंटडाउन टाइमर इसमें देखने को मिल जाता है आपको, और ड्यूअल टाइम तो है ही, और टाइम कॉन्फ़िगरेशन वर्ल्ड वाइड है, तो वो भी हम बता देंगे क्या इसमें कैसे वर्कआउट करती है। ये साइड के जो चार बटन है, इन चार बटन के माध्यम से इसकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन और बाकी फीचर रन आउट होंगे। जो इनकी इंफॉर्मेशन है बैक साइड पर लिखी हुई है। एडजस्ट बटन है, ये जो साइड पर सेकेंड बटन है ए के बाद बी, ये मोड बटन है। ये जो सी बटन है लाइट है, ये डी बटन स्टार्ट लैप्स लैप सिस्टम के लिए ये वर्कआउट करते हैं। सी बटन से लाइट है तो ये देखिए लाइट फीचर आपका वर्कआउट कर रहा है, और जब नाइट विजन होगा तो उसमें ज़्यादा वर्कआउट करेगा, और इल्यूमिनेटर है तो वो भी आपके लिए बेनिफिट देता है। अब आते हैं हम ये जो मोड बटन है बी बटन पे, बी बटन को सिंगल टाइम प्रेस करेंगे तो ये आ गया आपका स्टॉप वॉच। यहाँ से जो डी बटन है, यहाँ से स्टॉप वॉच स्टार्ट होती है, यहीं से आपने इसे स्टॉप करना है। देन एडजस्ट बटन को सिंगल टाइम प्रेस करना है, सेकंड लेफ्ट टर्न करना है तो फिर से आपने डी बटन को प्रेस कर देना है, फिर से आपने ये अपर बटन को प्रेस करना है, पहले डी बटन को प्रेस करके स्टॉप भी कर लेना है इसको, फिर एडजस्ट बटन को प्रेस करना है, देन फिर से आपको ये मैंने तीन इसमें ऐड कर दिए, यहीं से स्टॉप करके ये प्रेस कर दिया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट मोड बटन को फिर से प्रेस करेंगे, इसमें रिकॉर्ड आते हैं। रिकॉर्ड में आपको देखने को मिलेगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीन। पहले की आपने चेक करना है कितना हुआ, तो ये जो एडजस्ट बटन है इसको प्रेस करना है, पहले में आप इतना, सेकंड में लैप्स में फिर से आप चेक करना है यहाँ से इतना, थर्ड लैप में आपने चेक करना है। तो ये हुआ स्टॉप वॉच फीचर। अब स्टॉप वॉच के बाद जो रिकॉर्ड के बाद आता है थर्ड वन, ये है टाइमर फीचर, हम जिसे कहते हैं काउंटडाउन टाइमर। तो इसको आप सेट भी कर सकते हैं, ये जो बटन है इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। एडजस्ट बटन को आपने 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। यहाँ पे आपको आ रहा है आवर्स की सेटिंग, तो आवर्स अगर आप कोई लॉन्ग करना चाहते हो तो जितने आवर्स का रखना चाहते हैं यहाँ पे रख दीजिए। आइदर यहाँ से यानी बी बटन से, मोड बटन से आपने मिनट्स में शिफ्ट कर जाना है। मिनट्स कम ज़्यादा आपने सी एंड डी से करने हैं। सेट हो गया, एडजस्ट बटन से बाहर आ गए। अब बात करते हैं टाइमर को रन आउट करने की। तो जो ये डी बटन है, ये डी बटन को आपने स्टार्ट कर देना है। ये देखिए 159 सेकंड यहाँ पे शो कर रहे हैं और यहाँ पे 11 शो कर रहा है। जैसे ही ये एक मिनट का कंप्लीट हो जाएगा फिर से यहाँ पे रन आउट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे 11 की जगह 10 आ जाएगा। हम अभी शो भी कर देते हैं इसको। ये देखिए अगला मिनट शुरू हो गया, 10 आ गया यहाँ पे। तो हम अभी इसको स्टॉप करना है, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉप करनी है तो इधर आपको ये रन आउट होगा तो पता चल जाएगा। अगर स्टॉप आउट करनी है यहाँ से आपने स्टॉप कर देनी है, और ये जो यही बटन से रीसेट हो जाएगी, यानी एडजस्ट बटन से स्टॉप होगा, एडजस्ट बटन से ही रीसेट होगा। और अगर आप कंप्लीट हो जाएगा आपका टास्क तो आपको यहाँ पे टाइम बीप होगा। मैं अभी वो भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको पहले सेट करके 1 मिनट का कर लेता हूँ। सी बटन से मैं इसको कम कर रहा हूँ, 1 मिनट का हो गया सेट। ये देखिए अब यहाँ से हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। ये देखिए कंप्लीट होते ही बीप होना शुरू हो गया। मेरे को लगा था 10 सेकंड में बाकी वॉचेस शुरू कर देता है, लेकिन इसमें प्रॉपर कंप्लीट होते बीप होना शुरू हो गया। तो यहाँ से हम इसे स्टॉप कर देते हैं। अब जाते हैं अगले स्टेप पे। तो मैं फिर से मोड बटन को प्रेस करता हूँ, अलार्म को सेट करना है। तो ये बटन को हम थोड़ी देर प्रेस करेंगे, ए बटन को, जितने बजे का आपको अलार्म ऑन करना है
इन दो बटन के माध्यम से आप सेट कर लीजिए। जैसे मुझे सुबह के 5 बजे का करना है तो मैं ये तो इवनिंग हो गया ना PM, तो सुबह के 5 का मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसी सेट बटन के माध्यम से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑन दिखाई दे रहा है तो अलार्म आपका सेट हो गया। अब इसे ऑफ़ करना है तो ये भी चेक कर लेते हैं। इससे पहले देख लेते हैं इसमें कितने अलार्म लगते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड एक आवर्ली बीप का है तो हमने ऑफ़ करना है। अब देखते हैं यहाँ से ऑफ़ होता है या नहीं, यहाँ से भी नहीं हुआ तो हम इसे सिंगल टाइम प्रेस करके देखें। ये देखिए, ये जो एडजस्ट बटन है इसको सिंगल टाइम प्रेस करने पे अलार्म ऑफ हो गया। ये वॉच के फीचर मेरे लिए भी नए हैं इसलिए मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ तो वो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्टेप आता है, ये है टाइम कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरा जो करंट टाइम है 5:39 है, यहाँ पर 5:43 है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको लोकेशन देखने को मिल रही है। पहले मेरी लोकेशन दिल्ली थी तो मैंने इसको चेंज किया था। मैं अभी चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपकी करंट लोकेशन होगी आप यहाँ से इसे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया, दिल्ली आ गया। अब यहाँ से हम इसे प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए। यहाँ पे DST ऑफ ऑन दोनों आ रहा ऑप्शन। अब देखते हैं आगे की वर्किंग क्या है इसमें। इसको प्रेस किया, अब सेकंड्स पे शिफ्ट हो गए। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो यहाँ से ही मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। 5 PM अगर मुझे आवर सेट करने हैं तो इन दो बटन के माध्यम से मैं आवर सेट कर लूँगा CD के माध्यम से। आइधर मैं फिर से ये मोड बटन को प्रेस करूँगा और मिनट्स पे शिफ्ट हो जाऊँगा। अब मुझे 5:43 करना है तो मैं ये देखता हूँ अप वाले बटन से। हाँ, ये जो C बटन है इससे डाउन जाता है तो यहाँ से मैं इसे 5:43 कर देता हूँ। 5:43 कर दिया। अब फिर से मैं इसको प्रेस करूँगा मोड बटन को, ईयर्स चेक करूँगा 2023। अगर गलत होगा तो यहाँ से आप इसे चेंज कर लीजिए इन दो बटन के माध्यम से। फिर से डेट 4 ठीक है, सॉरी मंथ 4 ठीक है, डेट 20 है। सब सेटिंग डन हो गई 12 आवर्स के अकॉर्डिंगली है। मंथ डेट इंग्लिश में। तो ये सब सेटिंग डन होने के बाद हम ये एडजस्ट बटन से बाहर आ जाएंगे। मेरा जो करंट टाइम है वो परफेक्ट सेट हो गया है। चेक करना है, ये देखिए 5:44 हो गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या टाइम आ रहा है। मेरा करंट टाइम 5:45 है और जो एनालॉग पोर्शन है इसका आपको 6 PM दिखा रहा है। अब आता है इसका नेक्स्ट स्टेप जो कि एनालॉग फीचर को सेट आउट करता है। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ से आपको प्रेस करना है। अब अगले फीचर में हम शिफ्ट हो गए। यहाँ पर आपको 6:01 दिखा रहा है क्योंकि लोकेशन जो है वो कोई और सेट हुई होगी तो हम इसमें लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ये एनालॉग पोर्शन के लिए है तो यहाँ से हमने 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये जो भी है काठमांडू है या जो भी है ये लोकेशन सेलेक्ट है, हम दिल्ली कर देते हैं। दिल्ली सेट कर दिया। अब यहाँ से हमने सेट बटन को प्रेस कर देना है। सेट बटन को प्रेस करते ही आपको यहाँ पर टाइम दिखा रहा है 5:46। जो टाइम यहाँ पर आएगा वो आपको एनालॉग में डिस्प्ले हो जाएगा। बड़ा सिस्टम सिंपल है इसका। बाकी वॉचेज़ में 0-0 करना पड़ता था, इसमें ऐसा नहीं है। तो टाइम कॉन्फ़िगरेशन मेरे को थोड़ा सा इसलिए टफ लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम करना है, लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एप्लीकेशन के माध्यम से करके देखते हैं। तो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन डन हो गया, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपको जो वॉच में जो आपको आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन का लोगो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, एडिफाई ये रहा। तो इसको ओपन कर लिया। हमने ओपन करते ही यहाँ पे आएगा प्लीज़ चेक द फुल टेक्स्ट, अगर आप रीड करके एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद देन जो प्राइवेसी नोटिस का है ये भी आप एग्री टू ऑल करके कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आता है कि एडिफाइज को लोकेशन चाहिए, रिक्वायर्ड है एक्सेस ताकि आप वर्ड टाइम को सेट कर सकें। देन अलो एडिफाइज टू फाइंड एंड कनेक्ट, अलो कर दीजिए। एंड अगर आप ये रीड करना है रीड कर लीजिए। अभी तो मेरे को तो बड़ा टफ सा लग रहा है इसको रीड। तो ये हो गया, हम इसको बाद में करेंगे। ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। अब हम आते हैं वॉच के, जो मेरी वॉच है उसको कनेक्ट करना है। तो जो भी आपकी वॉच होगी यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है, मॉडल नंबर, मैं 900 वाला, ये वाला आर्टिकल है मेरा। यहाँ से कुछ सेकेंड अब लिखा आ रहा है कि जो सेंटर बटन होता है उसको कुछ सेकेंड के लिए
1.5 सेकंड्स के लिए इसको प्रेस करके रखना है। मैं 1.5 सेकंड के लिए इसे प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर रजिस्टर द वॉच टू द ऐप, यस कर देते हैं। कनेक्टिविटी के लिए चल गया, आपको वॉच पे कनेक्ट का ब्लिंक होता दिखाई देगा। टाइम सेट हो गया, रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली। ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, ये मैनुअली तो मैंने आपको पहले गाइड कर दिया, ये है कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से अपने सारे फीचर्स को कैसे यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। तो अब आते हैं स्टॉप वॉच। सबसे पहले इसमें स्टॉप वॉच है, अगर आपने स्टॉप वॉच को रन आउट किया है तो आपको जो भी उसका डेटा है यहाँ पे विजिबल होगा, ऑल डेटा। मैंने जो भी टैब को कैंसिल किया था, अगर हम उसको कंटिन्यू करते तो जो आपका डेटा होता वो इसमें सेव हो जाता। तो मैंने डेटा इंपोर्टेड पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए लास्ट डेटा आ गया यहाँ पे, जो जो मैंने लैप्स रन आउट किए थे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गए। अब इसमें आता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर अगर आपने इसको रन आउट किया होगा तो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी विजिबल हो जाएगा। अब आता है वर्ड टाइम। वर्ड टाइम में आप कौन सी कंट्री का टाइम सेट करना चाहते हैं। अगर आप कहीं दूसरी लोकेशन पे हैं और अगर आपका जो फीचर्स है ऑलरेडी इनेबल्ड है तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको मैनुअली अगर सेट करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे आप न्यूयॉर्क में गए हैं तो न्यूयॉर्क पे क्लिक करके सेट द सिटी टू द वॉच, यहाँ पे क्लिक करते ही सिटी का टाइम सेट हो जाएगा, अदरवाइज ऑटो तो है ही। तो ये हो गया वर्ल्ड टाइम की सेटिंग्स के लिए, आप कोई भी कंट्री का यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी में आपको टाइमर, ये टाइमर फीचर यहाँ से आप रन आउट करेंगे तो वॉच पे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जितने देर का आपको टाइमर सेट करना चाहते हैं उतनी देर का यहाँ से सेट कर दीजिए। रन आउट तो आपने वहीं से करना है, जैसे यहाँ पे 00 है, आप एक मिनट का सेट करना है। सेंड सेटिंग टू वॉच, मैंने सेटिंग वॉच पे सेंड कर दी, यहाँ पे टाइमर ओके एंड सेटिंग कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा आ गया। अब दूसरा इसमें आता है अलार्म। अलार्म को आप यहाँ पे देख सकते हैं, सर्चिंग हो रहा है, तो आपको 5 अलार्म, जैसे मैंने मैनुअली में भी बताया था 5 अलार्म और एक सिग्नल का आ रहा था, तो जो भी अलार्म यहाँ पे सेट करना चाहें कर सकते हैं। डेली रखना है, शेड्यूल रखना है, वन टाइम रखना है, ये मतलब आपको इसमें यह है कि वहाँ पे मैनुअली थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाता है और इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो सेंड सेटिंग टू वॉच, वॉच पे टाइम सेंड हो गया अलार्म का भी। तो ये दोनों सेटिंग डन होने के बाद हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे अलार्म का। ये देखिए अलार्म ऑन आ गया, डेली पे आ गया, डेली पे आ गया। तो ये इसकी जो कनेक्टिविटी का फीचर्स है उसके बारे में। अब हम चेक कर लेते हैं वॉच पे जाके जो जो मैंने अलार्म सेंड किया था रैली में, वो आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए वॉच में आपको यहाँ पे कनेक्ट का आ रहा है, मैंने बताया था कनेक्ट हो गई हुई है। ये मैंने आपको टाइमर का भी बताया था कि टाइमर मैंने एक मिनट का सेट किया, यहाँ पे एक मिनट का ही है। अलार्म का ऑन है, 5 ऑन, आप यहाँ से और भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 2 ऑफ है, 3 ऑफ है, 4 ऑफ है, अलार्म 5 ऑफ है, सिग्न ऑफ है, एंड जो अलार्म 1 है ऑन है, यहाँ से मैं इसे ऑफ भी कर देता हूँ। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार एप्लीकेशन में ऑफ हुआ या नहीं हुआ। तो अभी हम यहाँ से अलार्म में जाके देखते हैं। ये देखिए अलार्म मैंने ऑफ़ किया था ना, तो यहाँ पे ऑफ हो गया हुआ है। 17,500 की, यानी 17,595 की प्राइस रेंज है इस वॉच की, और प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली परफेक्ट वॉच है। वेयरिंग में भी एकदम कंफर्ट है, और कई कस्टमर कहते हैं जैसे ऐसे मूवमेंट करने पे तो बटन भी फील नहीं होते आपको, कोई इसमें टच वगैरह बटन का कोई नहीं होगा। और वेट में, लुक में हैवी है, लेकिन वेट में इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, जैसे इसमें मैकेनिज्म होता है हैवी वॉच वाला, लेकिन वैसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी वॉच है, 2 ईयर्स की मैकेनिकल वारंटी के साथ। किसी भी आप कैसियो के स्टोर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन अगर परचेज़ करना है तो सिर्फ कैसियो की, कैसियो इंटेल इंडिया की वेबसाइट आती है, वहाँ पे से ही परचेज़ करें। थैंक यू।